हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। दोस्तों, आज जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं वह मैं बताऊंगा कि आप लोगों का रिजल्ट कब आ रहा है। अगर आपने इस साल एग्ज़ाम दिया है और अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये जो जानकारी है आज की वो आपके लिए है। तो मैं बहुत सारे चैनल वाले बना रहे हैं कि आपका रिजल्ट आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है। तो मैं आप लोगों को आज एक सटीक टाइम शेड्यूल बताने जा रहा हूँ, जो कि एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल के द्वारा बता रहा हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट इस टाइम शेड्यूल के बीच आएगा और सही जानकारी है ये आपके लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि मैं आपको रिजल्ट से रिलेटेड सही अपडेट सही टाइम में जानकारी देते आ रहा हूँ। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपने न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हम अपने न्यूज़ पर आ गए हैं और ये न्यूज़ जो है हम m.jagran.com मैं जागरण के द्वारा, दैनिक जागरण जो पेपर आपका आता है उसके द्वारा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का रिजल्ट कब आ रहा है। तो इसमें आप लोगों को बताया गया है कि बिहार बोर्ड जो है फिर रचेगा इतिहास और रिजल्ट जो है 20 मई से पहले होगा जारी। दोस्तों, ये आप लोगों के लिए एक बड़ी ही खुशखबरी है कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वह 20 मई से पहले जारी होगा। तो जितने भी न्यूज़ बता रहे थे इस दिन आ रहा है, तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट जो है वह 20 मई से पहले जारी हो सकता है। आज 14 तारीख है, इसके दरमियान 6 दिन के अंदर में आप लोगों का रिजल्ट जारी हो सकता है और आप लोग अपना रिजल्ट 6 दिन के अंदर में देख सकते हैं। तो ये आपकी एक जानकारी रही। चलिए हम पूरा जानकारी पढ़ लेते हैं और पूरा जानकारी जान लेते हैं कि रियली में हमारा 20 को आ रहा है रिजल्ट कि नहीं आ रहा है। तो हम अपने न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं और न्यूज़ में आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ हमारे सामने आया है बिहार बोर्ड इस साल भी इतिहास रचेगा। क्या दोस्तों, इस साल भी इतिहास रचेगा, तैयार है। इस साल भी बोर्ड ने सबसे पहले मैट्रिक परीक्षा रिजल्ट जारी करेगा, जो सबसे पहले जो है इस साल मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा जारी करेगा। आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मैट्रिक की कॉपियां का मूल्यांकन कार्य अपने अंतिम चरण पर है। जैसे कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक रिजल्ट बताया जिसमें आप लोगों को 40,000 कॉपी जांच करने के लिए बताया गया था, 2 दिन पहले का न्यूज़ था, लेकिन अब बहुत सारी कॉपी चेक हो गई है और कॉपी अपने अंतिम चरण में है। जानकारी के मुताबिक 97% कॉपियों का मूल्यांकन हो गया है और ऐसे में 20 मई से पहले ही मैट्रिक का रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे काम हो गए हैं। जब कॉपी जांच हो ही जाता है तो उसको शेड्यूल करने में, कंप्यूटर पर डालने में 1 दिन का टाइम बहुत काफ़ी है। इस तरह से अब मैट्रिक का रिजल्ट का इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। और पिछले साल जो है मैट्रिक का रिजल्ट सबसे पहले जारी हुआ था और इस साल 20 मई से पहले रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं। इस साल एग्जाम में टोटल 15,29,393 छात्र शामिल थे और ये आपका जो लोग का जो एग्ज़ाम था वह 17 से 24 जनवरी के बीच में जारी था। तो ये एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए थी और अगर आप लोगों को हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले लेके आ रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।